तो उनको स्पष्ट निर्देश तो ये दिए गए हैं कि जिस जिस तरह की कमियां, जैसे कि ओवर रेटिंग की कमी सामने आई थी कि वो लोग ओवर रेटिंग कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने अपने हेलीपैड इंचार्ज वहाँ पे बिठाए, एक यूनिफॉर्म जवान वहाँ पे बैठे हुए हैं। वो लोग जैसे अगर अगले दिन की जो उनकी ऑनलाइन बुकिंग की लिस्ट है उसको पूरा चेक करके और अगले दिन जो लोग एक्चुअल में फ्लाई कर रहे हैं उससे मिलान कर रहे हैं, और अगर एक भी व्यक्ति ऐसा पाया जा रहा है जो कि बिना बुकिंग के वहाँ पर फ्लाई कर रहा है तो उसके संबंध में पूरी जाँच पड़ताल की जा रही है। तो अगर इस तरह से हेलीकॉप्टर कंपनियों की कोई संलिप्तता सामने आती है तो ये शासन की तरफ से भी निर्देश है कि उनके लाइसेंस के लिए तत्काल लिखा जाएगा निरस्त करने के लिए। इस संबंध में देखिए, हमें भी एक व्हाट्सएप पे प्राप्त हुआ था कि दो हेलीकॉप्टर कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने कि 11,200 में टिकट बेचा है। उस टिकट का हम लोग प्रिंट आउट निकाल करके अपने नोडल ऑफिसर हेली को दे रहे हैं। संबंधित कंपनी से भी स्पष्टीकरण लिया जाएगा कि ये उसी की टिकट है या अगर उसने टिकट बेची है तो उसके पीछे क्या कारण है। इसमें हम लोग लगातार जाँच कर रहे हैं और जाँच के बाद देखते हैं इसमें क्या तथ्य निकल कर सामने आता है।